Hey guys, welcome back to the channel. My name is Yasser and you are watching the Alpha. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही क्विक अपडेट अपनी शेडिंग फेज की शेयर करने वाला हूँ. 40 दिन हो गए हैं आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को और एक मंथ की मैंने अपडेट शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा शेडिंग फेज चल रहा है, जो कि शेडिंग मेरी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है. और ये एक अचंभे की बात है क्योंकि मोस्टली जितने रिजल्ट आप यूट्यूब पर देखेंगे सबके शेडिंग फेज में सारे बाल गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं है. लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है. आप देख सकते हैं आज 30 डेज से 40 डेज़ के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मेरे बाल जो हैं थोड़े बड़े ही दिखाई देंगे. आप देखें थोड़े इसमें पुराने बाल भी हैं, ऐसा नहीं है सारे नए. लेकिन मेरी हेयर लाइन जो है ये मेरी पूरी नई बनाई गई थी सिंगल हेयर की, क्योंकि यहाँ पर डबल ग्राफ्ट लगी हुई थी. पुराना अगर मेरा आप कोई भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ. और ये मेरी आप देख सकते हैं कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि शेडिंग थोड़ी हुई है और थोड़ी नहीं हुई है. कुछ बाल बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे ही हैं. तो बस आज आपके साथ यही रहेगी एक क्विक अपडेट शेडिंग फेज पर. तो मैं ऐसे दिखाऊँ आपको तो बाल देखेंगे आप कंघे में अच्छे खासे आ रहे हैं और काफ़ी बड़े हैं. अगर 40 दिन के अपडेट के हिसाब से मैं बताऊँ आपको तो बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रिज़ल्ट है. ऐसा रिज़ल्ट मैंने देखा नहीं है क्योंकि यूजेनिक्स पे किसी का आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यूजेनिक्स में कराने वाले यूट्यूब पर डालते नहीं हैं. कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा कुछ के अलावा जो कि यूजेनिक्स के चैनल पर ही है. बाकी मैं हूँ आपके सामने. तो आप देख सकते हैं कि हेयर काफ़ी सारे हैं, शेडिंग फेज बहुत कम हुआ है, हेयर लाइन मेरी पूरी बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक. यहाँ पर अब शेडिंग फेज थोड़ा सा हुआ है ज़्यादा, तो ये चीज़ गायब हो गई है, पर ये आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक. ये वाले टेम्पल हल्का है, यहाँ पे शेडिंग हुई है, यहाँ पर कम हुई है. ये एरिया जो है ये लाइट की वजह से थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है. दूसरा हल्की सी डेंसिटी यहाँ पर कम है क्योंकि पिछले वाले बंदे ने यहाँ पर कुछ हेयर लगाए थे बीच में और उससे आसपास की ग्राफ डैमेज हो गई और मेरा ख़राब हो गया हेयर. तो यही था आज की क्विक अपडेट में. चालीस दिन में कंघा लगने लगा है हेयर ट्रांसप्लांटेड वाले हेयर पर, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.